press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. नमस्कार, जय हिंद। जीएस फोरम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग भारत का भौतिक विभाजन पढ़ेंगे और जानेंगे कि भारत के भौतिक विभाजन को कुल कितने प्रकारों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले आपके लिए जानना ये बेहद आवश्यक है कि भारत को हम ये जान लें कि कितने भौतिक प्रदेशों में कितने फिजिकल डिवीज़न भारत के किए गए हैं। तो सबसे पहला जो सवाल आता है कि कितने भौतिक प्रदेश हैं, तो उसका आंसर आपको चार्ट पर दिख रहा होगा कि कुल भारत को चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और इस तरह से भारत के वो कौन से चार भौतिक प्रदेश हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि भारत को सबसे पहले नंबर पर हम लोग उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र में डिवाइड करेंगे, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान डिवाइड करेंगे, फिर तीसरे नंबर पर हम लोग दक्षिण का पठार यानी कि दक्कन पठार पढ़ेंगे, और उसके बाद चौथे नंबर पर है तटीय मैदान और द्वीप समूह। सिंपली आपके एग्ज़ाम में जब सवाल पूछा जाए कि भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, तो आप बताएंगे आंसर में कि भारत को कुल चार भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। और ये बात आपको NCERT की बुक्स में भी मिल जाएगा, यानी कि NCERT के अनुसार भारत के कुल चार भौतिक प्रदेश हैं। इसके अलावा हम लोग इसको पढ़ने के दृष्टिकोण से अलग अलग पार्ट्स में इसको फिर से डिवाइड करते हैं। बेसिकली आज की इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि आखिर भारत कितने प्रदेश में विभाजित है, और उसको हम लोग अलग अलग पढ़ने के दृष्टिकोण से अगर डिवाइड करें तो कुल कितने प्रदेशों में इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्योंकि इसको पढ़ना आसान है, लेकिन कैसे पढ़ा जाए इस चैप्टर को, चूँकि चैप्टर बहुत ही बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोग पहले यही जानेंगे कि आखिर इनको हम कितने पार्ट में और डिवाइड कर सकते हैं। तो इनमें से जैसे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक को हम लोग कहेंगे पार हिमालय और दूसरा हम लोग कहेंगे हिमालय पर्वत। मतलब कि जो आप देखते हैं कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में कुछ इस तरह से, भारत का जो उत्तरी पार्ट है यहाँ पर जो भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर सबसे पहले एक हिमालय है, और उस हिमालय को पार वाली यानी कि ट्रांस हिमालय जो है उसको हम लोग एक पार्ट डिवाइड कर लेंगे, उसको हम लोग कहेंगे पार हिमालय। और उसके बाद ये हिमालय अपने आप में खुद एक डिवीज़न है, तो वही हमने यहाँ पर लिखा है हिमालय पर्वत। यानी कि उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित जो पर्वतीय क्षेत्र है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड किए, एक को हमने कहा पार हिमालय, दूसरे को हमने कहा हिमालय पर्वत। अब पार हिमालय को हम लोग डिवाइड करेंगे तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, ये जो तीन श्रेणियाँ हैं ये मिलकर बनी होती हैं पार हिमालय। अब इसके बाद हम लोग जब हिमालय का डिवीज़न करेंगे, तो हिमालय का डिवीज़न भी हम लोग क्या करते हैं, दो आधारों पर करते हैं। एक तो हो जाता है इसका उत्तर से दक्षिण डिवीज़न, नॉर्थ टू साउथ, और एक हो जाता है ईस्ट टू वेस्ट, या ईस्ट टू वेस्ट वाले को ही हम कहते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयस ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स वैली। तो इस तरह से हिमालय को हम लोग दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक तो नॉर्थ टू साउथ करेंगे और दूसरा हम लोग करेंगे ईस्ट टू वेस्ट। तो नॉर्थ और साउथ के दृष्टिकोण से देखें तो इसको हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है, एक को हमने कहा है महान हिमालय कुछ इस तरह से, दूसरा हो जाएगा मध्य हिमालय, और तीसरे पर हो जाएगा बाह्य हिमालय, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं शिवालिक की पहाड़ियाँ। अब रही बात नदी घाटियों के आधार पर डिवाइड करने की, तो नदी घाटियों के आधार पर जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो वहाँ पर दो दो रिवर्स हम लेंगे, और इसके बीच में हिमालय का जो पार्ट मिलेगा उसी को हम लोग एक एक अलग अलग नाम देते जाएंगे। जैसे
पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और फिर आपको मिलता है असम हिमालय। तो इस तरह से हिमालय को हम दो आधारों पर डिवाइड करेंगे और उन दोनों आधारों में से उत्तर से दक्षिण करेंगे तो महान, मध्य और बाह्य मिलेगा, और उसके बाद नदियों के आधार पर करेंगे तो पंजाब, कुमायूं, नेपाल और असम हिमालय मिलेगा। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर का विशाल मैदान। तो उत्तर के विशाल मैदान को भी हम लोग क्या करेंगे, दो आधारों पर इसको डिवाइड करेंगे। एक आधार हो जाएगा मृदा के आधार पर, दूसरा हो जाएगा क्षेत्रीयता के आधार पर। तो जो मृदा के आधार पर हम लोग डिवाइड करेंगे उनमें से एक होगा भाबर, दूसरा होगा तराई। आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, सभी एक एक पॉइंट को अलग से डिस्कस करवाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको ये चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएं। अभी मैं सिर्फ आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ये जो भी डिवीज़न हमने बनाया है इसमें हमें ये पता हो जाए कि आखिर हमको पढ़ना क्या क्या है। तो भाबर क्षेत्र पढ़ेंगे, तराई क्षेत्र पढ़ेंगे, फिर कांप पढ़ेंगे, या इसी को हम लोग एक नाम और देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं जलोढ़ मैदान या एल्यूवियल प्लेन कहा जाता है। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक को बांगर और दूसरे को खादर कहेंगे। फिर उसके बाद चौथे नंबर पर होता है डेल्टाई प्रदेश, और क्षेत्रीयता के आधार पर करेंगे तो पंजाब हरियाणा का मैदान, राजस्थान का मैदान, गंगा का मैदान, असम या ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो ये हो जाता है क्षेत्रीयता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का। उसके बाद तीसरे नंबर पर है दक्षिण का पठार। तो दक्षिण के पठार को हम लोग थोड़ा यहाँ पर देखेंगे। तो दक्षिण के पठार को अगर हम लोग देखें तो इसको भी मैंने दो पार्ट में पहले डिवाइड किया है। क्यों किया है? क्योंकि दक्षिण के पठार के अंतर्गत हमको बहुत सारे पर्वत और बहुत सारे पठारों के बारे में चर्चा करनी होगी। तो इसमें जो पर्वतीय क्षेत्र है उसके अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, अरावली पर्वत, विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा, सतमाला, राजमहल, पूर्वी घाट पहाड़ियाँ, पश्चिमी घाट पहाड़ियाँ। इसके अलावा कुछ और छोटे छोटे पहाड़ियाँ हैं, पर्वत हैं, उसकी चर्चा हम लोग इसी के अंतर्गत करेंगे। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर एटसेट्रा लिख देते हैं ताकि हमको ये आइडिया रहे कि हमको आगे इसमें और कुछ छोटे छोटे पहाड़ियों के बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद जो पठारी क्षेत्र है, पठार इसके अंतर्गत हम लोग डिस्कस करेंगे, जिनमें से दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, और इसके अलावा भी क्षेत्रीय आधार पर इन्हीं पठारों में से कुछ पठारों के अलग अलग नाम भी आपको देखने को मिलते हैं। इसकी भी चर्चा हम लोग यहीं पर करेंगे। अब इसके बाद आता है चौथा और अंतिम पॉइंट जिसमें हमने रखा है तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इसको पहले हमने दो पार्ट में किया हुआ है, एक को हमने किया है तटीय मैदान, दूसरे को किया है द्वीप समूह। तो तटीय मैदान में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान होंगे। उसके बाद द्वीप समूह में एक होगा बंगाल की खाड़ी के द्वीप, दूसरा होगा अरब सागर के द्वीप, यानी कि ऐसे द्वीप जो बंगाल की खाड़ी में या बंगाल की खाड़ी के तटीय क्षेत्रों में स्थित हैं, और उसके बाद हम लोग देखेंगे अरब सागर या उसके तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से द्वीप हैं। तो भारत में द्वीपों को हम लोग देखेंगे, पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान को देखेंगे, क्षेत्रीयता के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को, मृदा के आधार पर उत्तर भारत के विशाल मैदान को, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में पार हिमालय और हिमालय पर्वत की श्रेणियों को हम लोग बहुत विस्तार से देखेंगे। एक एक पॉइंट पर आपको चर्चा करूंगा, कौन कौन से पासेस यहाँ पर पाए जाएंगे, कौन कौन से ग्लेशियर्स यहाँ पर पाए जाएंगे, इन सभी की चर्चा यहाँ पर मैं आपको बहुत डिटेल्स बताऊँगा, और इसके बाद हम इस पर कुछ प्रैक्टिस सेट भी करेंगे ताकि आपके TGT एग्ज़ाम, GS सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक क्लियर हो सके और इससे पूछे जाने वाले सवालों का आप सही तरीके से जवाब दे सकें। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।